कोरोना जैसी महामारी से अभी भी जूझ रहा है और न जाने कितनी कसौटियों से गुजर रहा है। वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देश की भलाई के लिए एक दिन का उपवास रख के गरीबों में खाना वितरित करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की, जो फूड बैंक मुहिम के तहत ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनमें एक दिन का एक टाइम का खाना बनना भी मुश्किल है। तो आइए जानते हैं फूड बैंक मुहिम के बारे में उनसे। नमस्कार सर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आपका नाम? मेरा नाम विकास सिंसा। आप फूड बैंक मुहिम के बारे में हमें कुछ बताइए। डेरा सच्चा सौदा के पूजनी गद्दीनशीन संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिन्हों की पावन सिक्ख्या चलते हुए डेरा सच्चा सौदा की साह संगत वालों लगभग 135 के करीब मानता भलाई के कार्य आरंभे हुए हैं। उन्होंने एक है फूड बैंक। फूड बैंक राही जो साह संगत अपने महीने भर में हफ्ते एक दिन का वर्त रखते, हफ्ते के हफ्ते एक दिन का वर्त रख के जो राशन बचाया जाता फूड बैंक, उस फूड बैंक की टीम वालों और राशन इकट्ठा करके उन्होंने जरूरतमंद परिवारों को दिता जाता है, जिन्हों के घर में कोई कमाने वाला नहीं, किसी तरह का कोई उन्होंने आसरा नहीं है, तो उन्होंने जरूरतमंद परिवारों हर महीने ये राशन इकट्ठा करके दिता जाता है जी। और सर आज क्या खास है, मतलब आज आप 107 परिवारों को दे रहे हैं, तो आज क्या खास है इसमें? पूजनीक हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, जिन्होंने अपना पावन आशीर्वाद ते प्यार साध संगत नूं चौथे पत्र दे रूप विच भेजा है। उस विच शहनशाही ने बचन फरमाए हैं कि देश की खुशहाली ते सुख शांति वास्ते सारी साध संगत ने एक दिन का उपवास रखना है। तो अगर साध संगत इकट्ठे होकर कोई भी प्रार्थना करती है तो मालक की दरगाह जरूर मंजूर ते कबूल होंदी है। तो उस तहत साध संगत नूं पिता जी ने बचन फरमाए कि एक दिन का वर्त रख के देश की खुशहाली सुख शांति वास्ते जो भी तुसीं राशन बचाओगे उसनूं फूड बैंक राही जरूरतमंदां नूं वितरित करना है। तो अज साध संगत वालों जो एक दिन का वर्त रखा गया सी 28 फरवरी की शाम 8 बजे तो लैके 1 मार्च शाम 8 बजे तक ये वर्त रखा, 24 घंटे का वर्त रखा गया सी। उस जो राशन बचाया गया है वह अज इकट्ठा करके 107 के करीब परिवारों को जो राशन दिता जा रहा है जी। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।